यहाँ मैं ऐसे पे वीडियो कॉल करो बोलो ना, बाथरूम में जाओ, और जैसे ये मतलब सामने से न्यूड होकर अर्धनग्न शरीर आपको प्रदर्शित करेंगे, इस कलंकनी को हम लोग अब दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनका हम पर्दाफाश कैसे करेंगे, वो आप देखिए। वाह बहुत बढ़िया, देखिए ये कलंकनी अब सामने आ गई है, ये एक्सपोज होंगी। देखिए ये वीडियो आप सभी के अलर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और सुसाइड तक करने का नौबत आ जाता है उनके साथ। कैसे देखिए ये मैसेज आया है, मैसेज है हाय हेलो, और इसके बाद कैसे हैं आप और क्या काम करते हैं। तो बिजनेस, ये बिजनेसमैन और जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको ज्यादा टारगेट करते हैं, जिनकी फेस वैल्यू है। अपने व्हाट्सएप नंबर भेजो, मैं व्हाट्सएप पर बात करूंगी। मैंने कहा क्यों भाई, अननोन पर्सन ऐसे कौन सा मैसेज पे बात करेगा, ऑनलाइन सेक्स वीडियो करेंगे क्या कॉलिंग पे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं करना चाहता, अपना व्हाट्सएप नंबर दो। इसके बाद तमाम मैसेज जो है कि बाथरूम में जाओ, ये देखो अब यहां मैसेज पे वीडियो कॉल करो बोलो ना, बाथरूम में जाओ, और जैसे ये मतलब सामने से न्यूड होकर अर्धनग्न शरीर आपको प्रदर्शित करेंगे, और इसके बाद जैसे ही अर्धनग्न होकर शरीर दिखाएंगे आप उसमें आवेशित हो जाएंगे, और इसके बाद आप जैसे ही अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे ही आपका वीडियो बन जाता है, और वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये पिछली बार आप वीडियो बनाए थे, दो मिलियन लोगों ने देखा, काफी सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, और ये वीडियो फिर से हम लोग बना रहे हैं क्योंकि अभी मैसेज आया हम लोगों के पास कि भाई आप ऐसे हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ वीडियो कॉल कीजिए। तो हम लोग अंत तक जाएंगे, क्या क्या हमारे साथ होता है वो दिखाएंगे हम लोग वीडियो में ना, कॉल कीजिए इसको ना। हाँ कॉल करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। होता और क्या है, जब ये लड़की आपके सामने न्यूड हो जाएगी वीडियो कॉल पे, देखा न्यूड होने के लिए देखा देखी, आप भी उतावले हो जाएंगे और आप भी उसके जो बोलेगी वो करेंगे, फिर आपका वीडियो बनाया जाएगा और आपके फ्रेंड सर्किल में लोगों को भेजने की धमकी दी जाएगी पैसे की डिमांड के लिए। पैसा नहीं देंगे तो भेज भी देते हैं लोग, और कई लोग, हाँ कई लोग इससे आकर देखा है, आए दिन मैंने देखा है सुसाइड भी कर लेते हैं शर्म बस कि कहीं ना कहीं उनका वीडियो। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इनकी इस कलंकनी को हम लोग अब दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनका हम पर्दाफाश कैसे करेंगे, वो आप देखिए। ये रिंग जा रहा है जी, इसका डीपी दिखाइए थोड़ा सा ना, डीपी देखिए, डीपी देखिए। हेलो, पहले आप अपना तो दिखाइए, चेहरा आप अपना दिखाइए पहले, कैसी हैं आप, चेहरा दिखाइए भाई। आरती जी सामने आइए ना, आरती जी देखिए, आरती जी, आरती जी, वाह 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 बहुत बढ़िया। देखिए ये कलंकनी अब सामने आ गई है, ये एक्सपोज होंगी। देखिए ये एक ही कपड़ा रोज पहनती है, और देखिए कैसे ये अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, आप देख पा रहे होंगे, इसी देखिए फोन काट दिया गया, डेली ऐसे ही होता है, डेली यही कपड़ा ये रोज पहनती है। ये मेरे ख्याल से वीडियो तो नहीं है, जो वीडियो कोई इसके पीछे जानबूझ के फिर वीडियो लगा देता हो, हमको भी यही लग रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों को फंसाने का स्क्रीन रिकॉर्डर चलता है, और जो है यही हमको कहीं ना कहीं गलत लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। चलिए हम दोबारा ट्राई करते हैं, मैंने अभी अपना फेस नहीं दिखाया है, अगर मैं फेस दिखाता तो ये जो है मतलब कंटिन्यू हमारे साथ चैट करती, कॉल करती, लेकिन मैंने फेस नहीं दिखाया, अपना बैक हाथ दिखाया, क्योंकि मैं इनका बाप हूं इस मामले में, इस मामले में, क्योंकि मैं इनको एक्सपोज कर चुका हूं पहले भी, और बहुत सारा वाक्य आता है ऐसे, बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी डीपी देखकर ही लग जाएगा ये कलंकनी है मित्रों, और ये कलंकनी जो है ना ये आपको ठगने का काम करती है। देखिए इनकी डीपी, देखिए किसी बहन बेटी के घर की जो है ये डीपी इन्होंने लगा रखी है। ये नंबर तो मेरे पास भी आया था इस तरह का कॉल, ये डीपी वाला, हाँ ये मैंने रिप्लाई कुछ नहीं दिया, ये सेम डीपी का मेरे पास आया था, यही चीज है। अब इनको चलिए फिर से एक बार हम लोग कॉल करते हैं जो है फिर से, अगर हम किसी को अभी सामने दिखाएं या फेस दिखाएं तो ये बकायदा अच्छे से कॉल करेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग म्यूट कर दिए थे, इसलिए इनको थोड़ा सा ये लगा होगा ना कि भाई ये लोग। देखिए विशाल जी की भी एंट्री हो रही है इसमें, विशाल जी दिखाएंगे अपना हाथ, शिकार फंसा नहीं है इसलिए कहीं ना कहीं सोच रही है। देखिए अरे आप भाई कहाँ चली जाती हैं, दिखाते ही नहीं है आप अपना शरीर वरीर, हम कितना उतावले हैं देखने के लिए, थोड़ा समझ गई टोन से ना, कुछ है? बात करने के टोन से कुछ समझ रही है, क्योंकि हम लोग वैसा मंद बुद्धि तो है नहीं, और जो है स्लो मो में फिल्टर लगा के नहीं आ सकते, जिसमें नकाब वगैरह आ जाए फिल्टर लगा के कैसे आएंगे, हो सकता है ना फिल्टर से ऐसे। ये पहले हम लोग का चेहरा देखना चाहती है कि भाई इस साइड में कौन है, ताकि फंसा सके, ताकि फंसा सके, यहाँ पे हम लोग बार बार सामने आइए ना, हम अकेले हैं, अपना चेहरा तो दिखाओ,
अकेले हैं हम, सामने तो आइए, पहले अपना चेहरा दिखाओ, पहले सामने आइए फिर हम दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, प्रॉमिस। अब देखिए कलंकनी अब सामने आएगी, फिर उसी ड्रेस में आएगी, देखिए देखिए उसी ड्रेस में आई है, उसी ड्रेस में, देखिए ये एलईडी पे ये किया जाता है फंसाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एकदम स्टार्ट रखिए, आप अपना करतूत दिखाइए। और बार बार आप ऐसे ही क्यों करती हैं, बार बार एक ही कपड़ा आप क्यों दिखाती हैं, एक ही कपड़ा रोज पहनती हैं क्या, कल भी तो यही पहन रखा था आपने। अरे कपड़ा पूरी मलिच्छिन हो तुम, पता है रोज एक ही कपड़ा पहनती हो और खुजली हो जाएगा तो। एक ही कपड़ा में डेली क्यों आती है सामने, ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दिखाती रहिए दिखाती रहिए दिखाती रहिए, वाह 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 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रही हैं, वाह देखिए देखिए मित्रों देखिए अभी ये कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, देखिए इनको हम एक्सपोज कर रहे हैं, ये एलईडी एलईडी था ना, हाथ आया था देखिए ना, पक्का हाँ पैर जो भी था जींस पैंट था, ये एलईडी स्क्रीन पे प्ले हो रहा है। आप अपना दिखाते बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिख रही हैं, बहुत आप दिख रही हैं, देखिए अब देखिए ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, ये स्क्रीन पे प्ले किया जा रहा था, जो भी पीछे से लड़की बात कर रही थी वो उसका वीडियो नहीं था, हाँ, लड़की थी स्क्रीन पे, हाँ लड़की थी, वॉयस लड़की का था, स्क्रीन पे प्ले हो रहा था क्योंकि ये पिछले वीडियो में यही कपड़ा था, यही हर और कल भी यही था, वहीं से शुरुआत वहीं से होती है, वही एक वीडियो है जो ये लोग दिखाता है, और एक टीम एक गैंग होगा इन लोगों का जो सारे लोग अलग अलग नाम से आईडी बना बना के लोगों को ऐसे फंसाते हैं, और इसके बाद से जो अगर हम लोग फेस नहीं दिखाए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के भी लोग हैं, हाँ, जो भाई उनको भेजते हैं भाई, हम लोगों को भी डर लगता है, हम लोग कभी लोग उसको बिना समझे लोग ट्रोल करेंगे कि देखो क्या कर रहा है, उनको ये नहीं पता कि हम लोग खुद वीडियो बना हाँ, रहे हैं, तो ये इस तरह से अगर फंसेंगे आप, कितने पैसे लगभग डिमांड किए गए थे पिछली बार आपसे? मैं फंसा थोड़ी था, मित्रों से डिमांड किया जाता है, लोगों से डिमांड किया जाता है, मैं तो मेरा तो वीडियो नहीं बनाया तो अभी वो लगेगा कि उसको वीडियो कुछ मसाला मिला ही नहीं, अगर कोई हाई प्रोफाइल आदमी हो अपने इज्जत के लिए तो लाखों रुपए दे सकता है, बहुत दिया भी है लोगों ने, दिया भी है बहुत सारे लोगों ने दिया है भाई, तो ये इस तरह कैसे आप बच सकते हैं, जो आपको लगता होगा कि भाई हमें बैठे बैठाए मिल गई, काफी लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं, बहुत सारे देहात में गांव के क्षेत्र के जो भी लोग हैं, हाँ। बहुत लोग इसके शिकार हो रहे हैं, जैसे गांव में कोई बच्चा हो इसके बारे में क्या जानता है, उसको तो लग रहा है अरे फेसबुक मतलब की लड़की फोन कर रही है भाई, और इसके शिकार हो रहे हैं, और बाद में डिप्रेशन में आके बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, लड़के को लग रहा होगा भाई बैठे बैठे हमको गर्लफ्रेंड मिल गई, वीडियो कॉल पे बात कर रही है, विदेशी लड़की है तो देश में ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल करने के बाद पैसा का डिमांड होता है, जो जैसा रहता है उसका प्रोफाइल देखता है वो लोग, और सबसे पहले तो इसने चैट शुरू किया तो उसमें प्रोफाइल ही चेक किया इसने कि आप क्या करते हो, हाँ। तो आपने बिजनेसमैन लिखा, हाँ, तब जाके वो वीडियो कॉल के लिए राजी हो गई, तुरंत तरीके से फंसाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ठगी, और बिजनेसमैन में भी आप क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ये देखिए, ये एक पैसा कमाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है जी। इसके पीछे पीछे पूरा गैंग लगा हुआ है, पूरा टीम है इसके पीछे जो इस तरह काम करते हैं, एक एक करके आपके जो फेसबुक फ्रेंड है, ये कोरोना काल में लॉकडाउन काल में इसकी शुरुआत हुई, हाँ। जब आदमी बेरोजगार बैठे थे तो जब मोबाइल के क्लोज ज्यादा लोग आ गए, मोबाइल पे ज्यादा लोग टाइम स्पेंड करने लगे, बहुत सारे मित्र हितैषी में भी बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित है, बहुत रोज फोन आता है भैया हम भी फंस गए, मतलब इतना समझिए कि देश का 70% आबादी इससे पीड़ित है, अब इतना समझिए, ये फेसबुक खासकर उत्तर प्रदेश और सबसे पहले तो फेसबुक पे अगर कोई लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आता है, डायरेक्ट कोई हाय हेलो करे तो भाई आपको सतर्क, ऐसी कोई लड़की फ्री नहीं है भाई कि आपके पास डायरेक्ट आपको प्रपोजल भेजे, और आपको जो जानता भी नहीं हो सीधे आपके पास आके बोले कि हाँ दोस्ती करोगे ये करोगे वो करोगे, बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है, ये वीडियो सिर्फ हम लोगों ने इसलिए दिखाया कि हम लोग तो भाई समझदार थे कि बच गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सीधे कॉल करते बात करते, हम लोग 10 लोग बोले कि बाथरूम, तो बाथरूम भी चले जाते हैं, पहले बोला इसने कि भाई आप पहले बाथरूम में जाओ फिर कॉल करो, तो इस तरह वीडियो कॉल या जब भी मैसेज आए आपके पास तो उससे बचें, वीडियो बनाने का मकसद यही है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।